जय जन शक्ति यूट्यूब चैनल से मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइस जैसा कि आप लोग थंबनेल देख पा रहे होंगे, इस लोन ऐप के रिकवरी एजेंट पहुँच रहे हैं घर। अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, करना होगा आपको जल्द इसका रिपेमेंट। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली इस लोन ऐप के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस लोन ऐप की देना चाहता हूँ। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को क्लियर देखिएगा, कहीं से भी आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्रॉपर देखें। अगर आप वीडियो कहीं से भी स्किप कर देंगे तो देखिए जो आपको संपूर्ण जानकारी है वो नहीं मिल पाती है। फिर आप उसके बाद में हमें कमेंट करते हैं कि सर जी क्या इस लोन ऐप के रिकवरी एजेंट घर पर आ रहे हैं, सर क्या इस लोन ऐप का हमें रिपेमेंट करना होगा। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कट एक लोन ऐप के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि इस लोन ऐप के रिकवरी एजेंट आपके घर पे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप है। जैसे कि मैंने थंबनेल में मेंशन किया, तो मैं आपको बता दूं इसके लिए आपको संपूर्ण जानकारी लेनी होगी। मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करूँगा, जो व्यक्ति जय जन शक्ति यूट्यूब चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपको एक सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, तो आपको इस बटन को प्रेस करना है और ऑन कर देना है ऑल नोटिफिकेशंस को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशंस का यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक, उससे क्या होगा, कोई भी हमारी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इमीडिएट मिल जाएगा। तो गाइज आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों की इस प्रकार की क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं कि सर उस लोन ऐप के रिकवरी एजेंट क्या घर पर पहुंच रहे हैं, कि सर उस लोन ऐप के रिकवरी एजेंट क्या घर पे आ रहे हैं। तो देखिए इस वीडियो में आपको प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, लेकर के चलते हैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर के आ गया हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं आपको इस एप्लीकेशन की संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर आपको मैं एप्लीकेशन का नाम बता दूँ तो देखिए ये जो एप्लीकेशन है, प्रॉपर डिटेल मैं आपको इसकी दूंगा। इसको अगर रेटिंग की बात की जाए तो 2.7 की इसको रेटिंग मिली हुई है। ठीक है, 2.7 की इसको रेटिंग मिली हुई है एप्लीकेशन को। ठीक, अगर हम इसके डाउनलोडर्स की बात करें तो देखिए डाउनलोडर इसके 5 मिलियन इसके डाउनलोडर हैं। और अगर मैं इस एप्लीकेशन के नाम की बात करूं तो पहले ही मैं आपको समझा देता हूं, ये एप्लीकेशन है क्रेडिट जी, पर्सनल लोन ऐप, ऑनलाइन लोन। ठीक, अब गाइज इस एप्लीकेशन का कहना होता है, प्रॉपर तरह से समझिएगा वीडियो को, जैसा कि आप लोग इसका अबाउट सेक्शन देखेंगे तो देखिए ये एप्लीकेशन कहती है कि ये आपको मिनिमम 60 डेज का लोन प्रोवाइड कराती है, ऊपर चाहे कितने का ही कराती हो इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मेंशन किया है इसने मिनिमम 60 डेज मेंशन किया है। तो गाइज जिस मेरे भाई को इन्होंने 60 डेज का लोन प्रोवाइड कराया है, मैं आपको बता दूँ आप लोगों को पैसा इनका रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक, ये बात आप भली भांति समझ लीजिएगा। ठीक, दूसरी बात, जिन भाई को इन्होंने ये जो पॉलिसीज यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, समझना ध्यान से, उसके तहत ऋण आपको इन्होंने प्रोवाइड नहीं कराया है तो आपको मैं बता दूं आप नियरिस्ट कंज्यूमर फोरम में विजिट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, आप नियरिस्ट कंज्यूमर फोरम में विजिट कर सकते हैं विदाउट किसी टेंशन के, विदाउट घबराए हुए, क्योंकि इस एप्लीकेशन का जो अगर लेंडर की हम बात करें तो देखिए इस एप्लीकेशन का लेंडर है क्रेजी बी। ठीक, जो कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। अब गाइज मैंने आपको बता दिया, जिन भाइयों को इसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार लोन प्रदान कराया है तो आपको इसका लोन वापस करना पड़ेगा। ठीक, समझ रहे हैं ना बात को मेरी, मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। और जिनको टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में लोन प्रोवाइड नहीं कराया है उनको कंज्यूमर फोरम विजिट करना होगा, जो कंज्यूमर फोरम की तरफ से बताया जाता है आप वही प्रोसेस फॉलो करें। ठीक,
दूसरी बात, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हम इसका लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं, ये आखिर कर क्या सकती है? देखिए, जहाँ तक मेरे पास में जानकारी है, ये एक डिजिटल लैंडिंग लोन ऐप है और आरबीआई के द्वारा अभी जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कोई ऐसा रेगुलेटर इन्होंने नहीं बनाया है, कोई ऐसी पॉलिसीज इन्होंने अभी नहीं बनाई है डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, इनके ऊपर एप्लीकेशंस के ऊपर, जो ये कुछ मतलब क्या है ना, कानूनी तौर पर आपके साथ में कुछ कर सके। हद से यदि ये आपके सिविल को इम्पैक्ट कर सकती हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक, अगर आप पेमेंट इनकी नहीं करते हैं, इनके पास में इससे ज़्यादा कोई राइट नहीं है, ठीक। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं इनके घर पे आने की, तो बहुत सारे लोग र्यूमर्स फैला रहे हैं कि क्रेडिट बी के जो रिकवरी एजेंट है घर पे आ गए हैं, क्रेजी बी के रिकवरी एजेंट घर पे आ गए हैं। तो मेरे भाई लोग, अगर आप एक भी रिकवरी एजेंट को घर पे दिखा दें वीडियो के साथ में, तो मान जाऊं मैं जिसके घर पे गए हों रिकवरी एजेंट। तो देखिए, ये तो एक अफवाह है, और आपको बता दूं मैं, ऐसी अफवाहों से आपको बच के रहना है, आपको ऐसी अफवाहों से अवेयर रहना है, ठीक। अब लास्ट में आप लोगों को बताता हूँ, जो मैंने फैक्ट थे वो आपको बता दिए इस वीडियो में। अब पेमेंट करने ना करने की बात आप पूछते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूँ, जिसका पैसा लिया है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, उसने आपका अच्छे समय पर साथ दिया, ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, रिटर्न कर देना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप पैसा उसका कानूनी वे में ही रिटर्न करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर कंपनी लीगली वे में काम कर रही है, लीगली तरीके से पैसा दे रही है, तो कंपनी लीगली वे में फाइट करेगी, डेफिनेटली करेगी। लेकिन जो कंपनी इलीगल है, वो क्या फाइट करेगी, कैसे फाइट करेगी, सोचने वाली बात है ना माय डियर फ्रेंड्स। तो बस आप समझ जाइए क्या है कैसे है। लेकिन जिनको अपना सिविल प्यारा है, आप डिनाई वगैरह ना करें, या तो आप कंज्यूमर फोरम विजिट करें इमीडिएट, वहां पर आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज आप नहीं विजिट करना चाहते, तो भैया लास्ट ऑप्शन आप लोगों के पास में है कि आप रिपेमेंट कर सकते हैं, ठीक। अदरवाइज आपकी सिविल की धज्जियां तो ये पूरे तरीके से उड़ाई देते हैं, आप लोगों को पता होगा। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। कोई और किसी प्रकार की क्वेरी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। फिर मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, कोई क्वेरी हो डेफिनेटली बेझिझक होकर कमेंट करें। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।